भाजपा और गोदी मीडिया के बीच का गठबंधन एक बार फिर उजागर हो गया है। जब विपक्ष भाजपा से नाकामियों पर सवाल करता है तो जवाब देने के लिए गोदी मीडिया की एक फौज सामने आकर खड़ी हो जाती है। भाजपा भी गोदी मीडिया के साथ वफादारी से में कहीं भी पीछे नहीं हटती है। जब देश के निष्पक्ष पत्रकार गोदी मीडिया के दंगाई और नफरती पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं तो जवाब देने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेता सामने आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल में हुआ। दंगाई पत्रकार अमन चोपड़ा की दंगाई रिपोर्टिंग पर जब रविश कुमार ने न्यूज 18 के मालिक मुकेश अंबानी के नाम संदेश दिया तो गोदी मीडिया से ज्यादा दर्द भाजपा नेताओं को हो गया। भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक तरह से यूट्यूब पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि सड़क पर पत्थर फेंकने वालों के साथ साथ वैचारिक पत्थरबाजों का भी परमानेंट इलाज होना जरूरी है। आज मीडिया का एक बड़ा धड़ा है जो अपनी विकृत पत्रकारिता के चलते यूट्यूब तक सीमित होकर रह गया है। ये कुंठित समूह पारंपरिक मीडिया के अपने पूर्व सहयोगियों को गोदी मीडिया कहकर पुकारता है। ये वही लोग हैं जो एक समय अपनी चुनिंदा सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता के नाम पर दलाली करते थे, एक ही विचारधारा परोसते थे। इस दौर में सफल पत्रकारों पर गोदी मीडिया का लेबल लगाना अपनी लाचारी की पत्रकारिता को नकाब में छुपाने का विफल प्रयास है। इस मीडिया को लवारिस मीडिया की संज्ञा देना उचित होगा। अपने राजनीतिक आकाओं का घटता वर्चस्व देखकर बौखलाया हुआ ये लवारिस मीडिया अब मीडिया संस्थानों पर दबाव बनाने के लिए कुछ चुनिंदा चैनलों और एंकरों का बहिष्कार करने का सुझाव दे रहा है। कुछ प्रभावी पत्रकारों को चिन्हित कर उन पर चौतरफा प्रहार करता है। मालिकों को संपादकीय बहस में खींचने का प्रयास करता है इस उम्मीद में कि चैनल और एंकर घबरा जाएंगे, सच से पीछे हट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि विपक्ष के मीडिया में पिंटू नहीं है, पर आज उनकी विश्वसनीयता उनके राजनीतिक आकाओं की तरह ही शून्य है। कल के बड़े पत्रकार आज फूड ब्लॉगर्स और सलाहकार संपादक तक सीमित होकर रह गए हैं। बदलते वक्त को समझो और अगर मीडिया का इस तरह से वैचारिक आधार पर बंटना देश का सामूहिक विमर्श के लिए अच्छा है तो ये भी हो जाने दिया जाए। अपनी लंबी चौड़ी पोस्ट में अमित मालवीय मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पत्रकार रविश कुमार पर पूर्व की सरकारों की गोद में बैठने का काम करने का आरोप लगाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि रविश कुमार पूर्व की मनमोहन सरकार पर भी सवाल खड़े किया करते थे। उस वक्त रविश का रविश की रिपोर्ट नाम से कार्यक्रम आता था और रविश कुमार इसमें निष्पक्ष तरीके से सरकार से सवाल पूछते नजर आते थे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।